दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांडे को एक बेहतरीन कप्तान, विस्फोटक फिनिशर, वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर मानते हैं तो हार्दिक पांडे के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है और टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला डू और डाई है, क्योंकि पहले मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से खराब फील्डिंग दिखाई दी, खराब बॉलिंग दिखाई दी, 200 प्लस रन्स बनाए टीम इंडिया ने, इसके बावजूद भी टीम इंडिया के बॉलर्स रन्स डिफेंड नहीं कर पाए, जिसके चलते प्लेइंग 11 में 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में, वो हम देखें। इससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा कौन बेहतर T20 कप्तान है, कमेंट करके हमें अभी बता दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज जो खेली जा रही है, इसमें टीम ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे हो चुकी है, क्योंकि पहला T20 मुकाबला जो खेला गया, टीम इंडिया के बैट्समैन ने तो शानदार पारियां खेली। केएल राहुल ने 55 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 46 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने तो बढ़ चढ़कर मात्र 30 बॉल पर 71 रन बना दिए। इतना बड़ा विशालकाय 209 रनों का लक्ष्य देने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसको आसानी से चेस कर लिया, क्योंकि टीम इंडिया की ओर से मिस फील्डिंग देखने को मिली, टीम इंडिया की ओर से खराब बॉलिंग देखने को मिली। कैमरन ग्रीन जब ऑस्ट्रेलिया के ओपनर विस्फोटक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, अक्षर पटेल के हाथों में सीधा बॉल जा रही थी और अक्षर पटेल ने आसान से कैच ड्रॉप कर दिया। तो हार्दिक पांड्या जब बॉल कर रहे थे तो केएल राहुल ने आसानी से कैच ड्रॉप कर दिया। साथ ही साथ जब डेथ ओवर्स में टीम इंडिया को रन्स बचाने थे, रन्स डिफेंड करने थे, तब हर्षल पटेल ने 18वां ओवर 22 रनों का डाल दिया। तो वहीं इसके बाद 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छे खासे रन्स दे दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकाबला जीत गई। और इन्हीं सभी कमियों को दूर करते हुए हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दिया। क्योंकि पहले मुकाबले में केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इनको तो नहीं निकाला जा सकता है प्लेइंग 11 से। साथ ही साथ टीम इंडिया के एक्सपीरियंस बैटर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी नहीं निकाला जाने वाला है। तो वहीं अब बारी है दिनेश कार्तिक की बाहर होने की। हालांकि सभी क्रिकेट फैंस तो यही चाहते हैं दिनेश कार्तिक लगातार टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलें, लेकिन जिस प्रकार से टीम इंडिया की मांग है, मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने अपनी इस प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को मौका दिया है। तो वहीं बॉलर्स के तौर पर भी बड़े बदलाव हो चुके हैं। हर्षल पटेल, उमेश यादव को बाहर करके जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर की एंट्री हो चुकी है। यानी सारे चेंजेस के बाद अब अगर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपनिंग करने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत हैं 5 टॉप क्लास बॉलर्स के तौर पर। अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार रहने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में, कमेंट करके हमें अभी बताएं। लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।